सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस यार फाइनली मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 15। अभी गाइस यहां पे हम लोग एपिसोड 15 तक आ चुके हैं एंड आप लोग मुझे हर एक एपिसोड के कमेंट में बोलते रहते हो कि भाई डायमंड के आर्मर को यूज क्या करो। लेकिन गाइस यहां पे सच बात यह है कि भाई अपने पास इतने ज्यादा डायमंड है ही नहीं कि हम लोग पूरे आर्मर को बना सके। तो गाइस आप लोग मेरी गरीबी को समझ सकते हो। बेसिकली गाइस 1.17 अपडेट के अंदर डायमंड को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी तक गाइस हमने काफी माइनिंग की है, यहाँ पे अपने को सिर्फ 5 डायमंड्स मिले हैं, जिसमें से यार 3 डायमंड का तो मैंने पिकेक्स बना लिया था, तो अपने पास सिर्फ 2 डायमंड्स पड़े हैं। अभी 2 डायमंड्स से तो हेलमेट वेस्ट नहीं बनते हैं, तो भाई सिचुएशन बहुत ही खराब है। लेकिन यार आज मैंने सोच लिया कि हम लोग अगेन से माइनिंग करेंगे एंड एटलीस्ट मुझे 24 डायमंड्स को ढूंढना है। अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि 24 क्यों, तो यार मुझे हेलमेट से लेके बूट तक सब कुछ बिल्कुल डायमंड का बनाना है। तो ये पूरा आर्मर सेटअप बनाने के लिए अपने को एटलीस्ट 24 डायमंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो यार मुझे पता है कि 1.17 अपडेट के अंदर 24 डायमंड्स को ढूंढना तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन गाइस एक बार मैंने चैलेंज ले लिया है तो हम लोग कोशिश जरूर से करेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कि भाई इस एपिसोड के एंड तक मैं 24 डायमंड्स को ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तो अपने को आगे चल के पता चल ही जाएगा। अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो ये है कि भाई आज से 2 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पोल रखा था, जहां पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई हम लोग जो ग्राफिक्स पैक को सर्वाइवल सीरीज के अंदर यूज कर रहे थे उसको अपने को रिमूव करना चाहिए कि नहीं। तो आप में से 86% दोस्तों ने बताया कि भाई हमें इस वाले ग्राफिक्स पैक को रिमूव कर देना चाहिए। अभी एपिसोड को आप लोग ही देखते हो एंड आप लोगों को ग्राफिक्स पैक अगर पसंद ही ना आए तो इसको रख के मैं करूंगा क्या। तो इसीलिए गाइस मैंने ग्राफिक्स पैक को अभी के लिए रिमूव कर दिया है। उस कम्युनिटी पोल के कमेंट में आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राफिक्स पैक के रिकमेंडेशन भी मुझे दिए हैं, तो उनको भी यार मैं धीरे धीरे यूज कर रहा हूँ एंड मैंने देखा है कि भाई सारे ग्राफिक्स पैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो उनमें से भाई जो भी सबसे ज्यादा अच्छा होगा मैं उसको भाई नेक्स्ट वाले एपिसोड से यूज करूंगा। अभी गाइस ये चीज मुझे भी लगता है कि अपने माइनक्राफ्ट के अंदर ये जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स है यही सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन गाइस ग्राफिक्स पैक यूज करने से एक जो चीज सबसे अच्छा होता है दैट इज गेम का FPS काफी इंक्रीज हो जाता है एंड अपना गेम प्ले बहुत ही स्मूथ होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी थी एंड इसी के साथ गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे ड्रीम हाउस को। अभी तक गाइस मैंने इस घर में अपने किसी भी सामान को शिफ्ट नहीं किया है, मतलब गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड के अंदर आयरन फार्म का कितना लोचा हो रहा था, तो वहाँ पे तो यार लिटरली काफी टाइम लग गया। तो इसीलिए गाइस मैंने इस घर में अभी तक किसी भी सामान को शिफ्ट भी नहीं किया है एंड आप लोग देख ही सकते हो घर को अभी तक मैंने डेकोरेट भी नहीं किया है। तो आगे जाके देखते हैं कब अपने को ये सारी चीजें करने का टाइम मिलता है। लेकिन एक चीज कन्फर्म है, जब भी मैं इस घर को डेकोरेट करूंगा आप लोगों को एपिसोड के अंदर तो जरूर से दिखाऊंगा। एंड फाइनली गाइस ये अपना आयरन फार्म, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ये अपने 1.17 अपडेट का मोस्ट एफिशिएंट आयरन फार्म है एंड सही में गाइस इस फार्म से अपने को बहुत ज्यादा फास्ट आयरन मिलते हैं। तो यार अगर आप लोगों ने आयरन फार्म वाले एपिसोड को मिस किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उस वाले एपिसोड को जाकर जरूर से देखना। एपिसोड 13 एंड 14 के अंदर हमने आयरन फार्म को बनाया था, दोनों एपिसोड के लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर दे दूंगा, तो यार जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को एक बार चेस्ट खोल के दिखा भी देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे कितने आयरन कलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे 64 आयरन के 4 स्टैक्स हैं एंड ऐसा नहीं कि भाई मैंने इस आयरन फार्म को AFK करने के लिए छोड़ दिया था, मैं बस वर्ल्ड के अंदर नॉर्मल काम करता था एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट ये सारे आयरन कलेक्ट हुए हैं। तो यार फार्म तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात है कि भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी गड्ढे वगैरह हैं। तो हुआ ये था कि भाई लास्ट दिन रात को मैं यहाँ पे आयरन चेक करने के लिए आया था एंड यहाँ पे 3 क्रीपर्स फटे। वो तो अपना लक काफी अच्छा था इसलिए भाई आयरन फार्म को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इन क्रीपर्स का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं आगे जाके ये क्या कर देंगे। इसलिए इन क्रीपर्स से थोड़ा सेफ रहने के लिए यहाँ पे मैंने 2 नए दोस्त बनाए। तो एक तो अपना ये वाला कैट है, इसने अपने को लिटरली टेम होने से पहले बहुत ज्यादा भगाया, लेकिन फाइनली हमने किसी तरह से इसको टेम कर लिया था। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे अपना दूसरा कैट है, तो ये वाला कैट यार बहुत ही इजिली टेम हो गया था। जो भी हो गाइस अगर ये कैट्स अभी अपने आसपास रहेंगे ना तो क्रीपर्स हम थोड़ा सेफ रहेंगे। तो चलो गाइस अभी हम लोग माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से मैं कुछ पिकैक्स वगैरह को ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे मैंने फॉर्चून 3 के डायमंड पिकैक्स को भी बना लिया था। तो अगर अपने को डायमंड रोड देखते हैं तो हम लोग इसी से डायमंड्स को तोड़ेंगे, इससे कई चांसेस रहते हैं कि अपने को थोड़ा ज्यादा डायमंड मिलेगा। एंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग एपिसोड 15 तक आ चुके हैं अपने पास सिर्फ 2 डायमंड्स पड़े हुए हैं, तो मतलब यार सिचुएशन काफी खराब है एंड अपने पास ज्यादा गोल्ड वगैरह भी नहीं है। तो गोल्ड भी अगर मिल जाता है तो भी काफी अच्छी बात होगी। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कि कुछ आयरन पिकैक्स को बना लेते हैं क्योंकि भाई आयरन की तो अपने पास कोई कमी नहीं है। लेकिन यार फिर मुझे लगा कि पहले से मैंने ये जो स्टोन पिकैक्स को बना रखा है इनको मैं बेकार में फेंकने तो नहीं वाला, तो फिलहाल के लिए इनको ही थोड़ा यूज कर लेते हैं। तो चलो गाइस सबसे पहले तो अपने माइन तक चलते हैं। अगर आपको एपिसोड 2 याद होगा तो वहां पे मैंने इस माइन को बनाया था। इस माइन से गाइस अभी तक के लिए अपने को सिर्फ 2 ही डायमंड्स मिले हैं। होप्स कि गाइस आज अपना लक थोड़ा अच्छा होगा एंड यहां से अपने को थोड़े ज्यादा डायमंड्स मिलेंगे। यहां पे ना गाइस 2 चेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने एक चेस्ट को यहां से तोड़ लिया है। इस चेस्ट को गाइस मैं सीधा अपने माइन के अंदर ही प्लेस करूंगा एंड इन सारे पिकैक्स को भी हम लोग उसी चेस्ट के अंदर रख देंगे, तो माइनिंग के दौरान अपने को पिकैक्स की कोई कमी नहीं होगी।
तो ये अपना फेमस माइन है, इसको मैंने लेवल 13 तक बना रखा है। लेकिन गाइस मुझे ना कभी कभार लगता है कि 1.17 अपडेट के अंदर लेवल 13 पे डायमंड्स मिलते नहीं है। पता नहीं गाइस पहले के वर्षन के अंदर तो लेवल 13 पे ज्यादा डायमंड्स मिलते थे। अगर अपने को आज भी लेवल 13 में डायमंड्स नहीं मिलते हैं तो मैं थोड़ा और डीप या फिर ऊपर जाके कोशिश करूंगा डायमंड्स को फाइंड करने की। लेकिन भाई किसी भी हाल पे आज अपने को 24 डायमंड्स तो ढूंढने ही है। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने चेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा पिकैक्स को रख दिया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो रास्ते हैं अपने माइन के। ये जो स्ट्रेट वाला रास्ता है ये सबसे लंबा है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा दूर तक माइनिंग किया है। यहाँ पे तो अपने को एक भी डायमंड नहीं मिला था। एंड ये अपना सेकंड रास्ता है, इसमें भी यार काफी माइनिंग के बाद अपने को सिर्फ दो डायमंड्स मिले थे। तो कुछ ना मिलने से तो ये अच्छा है, तो आज भी हम लोग इसी साइड को ढूंढेंगे। तो अपने को यहीं से माइनिंग को स्टार्ट करना है। पता नहीं गाइस यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, तो फटाफट यहाँ पे मैं एक टॉर्च को लगा देता हूँ। अगर भाई यहाँ पे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाते हैं तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। इस साइड में एक प्रॉब्लम है कि चारों तरफ कुछ ज्यादा ही ग्रेवल्स हैं, तो यहाँ पे दो चार ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद फिर ग्रेवल्स को हटाओ फिर वापस से माइनिंग स्टार्ट करो तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करते अपने को कुछ आयरन मिल चुके हैं। अभी बाहर अपने पास पूरा आयरन फार्म है, तो यहाँ से हम लोग आयरन कलेक्ट करके क्या ही कर लेंगे। तो इनको छोड़ो एंड हम लोग आगे की माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने -128 कोऑर्डिनेट पे माइनिंग को स्टार्ट किया था। अभी हम लोग -178 तक आ चुके हैं एंड अभी तक अपने को कोई भी डायमंड्स वगैरह मिले नहीं है। डायमंड तो छोड़ो गाइस, अपने को अभी तक गोल्ड भी नहीं मिला है। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे अपने को एक गोल्ड ओर मिल चुका है। एंड अभी ना गोल्ड देख के भी इतना सही सा लग रहा है क्या ही बताऊं। तो फटाफट यहाँ पे एक टॉर्च को लगाते हैं एंड चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितने गोल्ड ओर हैं। अगर सिर्फ एक ही गोल्ड ओर होता है तो मैं यार क्या ही बताऊं। जो भी होगा इसको मैं फिलहाल फॉर्चून पिकैक्स से ही तोड़ूंगा, इससे यार चांसेस रहते हैं कि अपने को थोड़ा ज्यादा गोल्ड मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी गोल्ड ओर्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे हमने एक गोल्ड ओर को तोड़ा है तो इससे अपने को 3 रॉ गोल्ड्स मिले हैं। तो 1.17 अपडेट के अंदर ये काफी एक अच्छा सा चीज है, यहाँ पे अपने को रॉ गोल्ड एंड रॉ आयरन मिलते हैं, तो इनमें हम लोग फॉर्चून पिकैक्स का यूज कर सकते हैं। तो शायद से यहाँ पे और गोल्ड ओर नहीं है तो अपने माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं गलत था, एक और गोल्ड ओर अपना यहाँ पे बचा है तो इसको भी मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं अपने पास टोटल कितने रॉ गोल्ड्स आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 8 रॉ गोल्ड्स हैं। यहाँ पे हमने टोटल 4 गोल्ड ओर को तोड़ा है, तो फॉर्चून 3 से अपने को 2 रॉ गोल्ड्स करके मिले हैं, तो काफी अच्छी बात है। एंड इसी तरह से गाइस अगर अपने को जल्दी से जल्दी डायमंड्स मिल जाते हैं ना तो मजा ही आ जाएगा। तो अभी तक गाइस हम लोग -200 पे आ चुके हैं, अभी तक गाइस अपने को एक भी डायमंड मिला नहीं है। तो हर बार की तरह यार इस बार भी डायमंड ढूंढने में टाइम तो काफी लगेगा। एंड ये वाला माइन भी यहीं पे आके खत्म होता है, सामने लावा है तो अपने को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी गाइस मैं एक बार चेक करूंगा क्योंकि लावा के आसपास भी डायमंड्स मिलने के चांसेस रहते हैं। नहीं यार अपना लग इतना अच्छा कहा, यहाँ पे भी अपने को कोई डायमंड नहीं मिला है, चारों तरफ बस लावा है, तो यहाँ पे माइन को कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। चलो भाई अभी कोई दूसरे साइड को माइन करके देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीजों को चेंज करूंगा, एक तो भाई स्ट्रेट माइन करके अपने कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस बार हम लोग थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन पे माइन करेंगे। एंड इसी के साथ गाइस मुझे नहीं लगता कि लेवल 13 पे अपने को कुछ मिल पाएगा, तो अभी हम लोग 3-4 ब्लॉक और डीप जाके माइन करेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो मैंने कहीं पे सुना था कि 1.17 अपडेट के अंदर लेवल 16 पे सबसे ज्यादा डायमंड्स मिलते हैं, तो हम लोग लेवल 16 पे भी एक बार ट्राई करेंगे। तो यही साइड से माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को 3-4 ब्लॉक्स नीचे जाने हैं एंड फिर यार हम लोग अलग अलग डायरेक्शन पे ढूंढेंगे। तो यार ये जगह मुझे काफी सही सा लग रहा है, यहाँ पे हमने बस माइनिंग को स्टार्ट ही किया था एंड अपने को गोल्ड ओर मिल चुका है। शायद से ये साइड अपने लिए थोड़ा लकी रहेगा, यहाँ पे कुछ और भी गोल्ड ओर्स हैं, तो फटाफट इन सभी को कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि अपने को टोटल कितने रॉ गोल्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ से सारे गोल्ड ओर को तोड़ने के बाद अपने को टोटल 13 रॉ गोल्ड्स मिले हैं। पहले अपने को जो 8 रॉ गोल्ड्स मिले थे उनको मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया है, तो अभी के लिए अपने पास टोटल 21 गोल्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, स्टार्टिंग में अपने को गोल्ड मिल चुका है, हो सकता है कि डायमंड भी मिल जाए। तो चारों तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी अपने को कहीं डायमंड्स नहीं मिले, कुछ और गोल्ड ओर्स मिले थे तो उनको मैंने कलेक्ट कर लिया है। चलो गाइस अगेन से अपने माइन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार गाइस मैं स्ट्रेट माइनिंग करने के बजाय चारों तरफ थोड़ा थोड़ा माइन करके देख, इससे ऑब्वियसली टाइम तो काफी ज्यादा लग रहा है लेकिन भाई अपने डायमंड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
एंड फाइनली गाइस जिस चीज का हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, लिटरली काफी टाइम से माइनिंग करने के बाद फाइनली अपने को जाके डायमंड मिल चुका है। ऑब्वियसली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फटाफट गाइस इसके आसपास को थोड़ा साफ कर लेते हैं एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो एक और डायमंड और अपने को मिल चुका है। दोनों ही डायमंड को हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन यार पहले आसपास थोड़ा देख लेना पड़ेगा, अगर लावा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी आसपास के ब्लॉक्स को मैं हटाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे एरिया को साफ कर लिया है एंड सभी ब्लॉक्स को हटाने के बाद गाइस अपने को टोटल 3 डायमंड ओर्स यहाँ से मिले हैं। फटाफट गाइस इन ओर्स को तोड़ते हैं एंड देखते हैं कि अपने को एक्चुअल में कितने डायमंड्स मिलते हैं। तो पहले वाले डायमंड ओर को हमने तोड़ लिया है, चलो यार एक बार चेक करते हैं यहाँ पे अपने को कितने मिले हैं। तो अपने को 3 डायमंड्स मिले हैं, यहाँ पे 2 और है, तो इनको भी यार फटाफट तोड़ते हैं एंड देखते हैं कि अपने को टोटल कितने मिलते हैं। एक बार यार चेक कर लेता हूँ आसपास कहीं गिर तो नहीं गए। तो यहाँ पे भाई मैंने सारे डायमंड्स को कलेक्ट कर लिया है, अपने को टोटल 6 डायमंड्स मिले हैं, तो इतना ज्यादा भी नहीं है। पहले वाले ब्लॉक से अपने को 3 मिले थे, तो एटलीस्ट 7-8 के आसपास तो होने ही चाहिए थे। चलो यार कोई ना, माइनिंग को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरफ हमने 645 ब्लॉक पे माइन को स्टार्ट किया था, अभी हम लोग 496 के आसपास आ चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पे काफी वाइड रेंज पे माइन कर रहा हूँ, मतलब सारे डायरेक्शन को चेक कर रहा हूँ, तो इसमें तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एंड तभी जाके अपने को 6 डायमंड मिले थे एंड उसके बाद अपने को वापस से डायमंड दिखे ही नहीं। अभी अपने को और 18 डायमंड चाहिए होंगे, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। एंड बातें करते करते यहाँ पे मुझे वापस से कुछ डायमंड दिख चुके हैं, यहाँ पे 2 डायमंड और है, तो अपना वाइड रेंज माइनिंग काफी सक्सेसफुल हो रहा है। एंड एक चीज और कंफर्म है कि 1.17 अपडेट के अंदर लेवल 13 से ज्यादा डायमंड तो अपने को लेवल 7 पे ही मिलते हैं। तो यार आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, अगर आप लोगों को भी वर्ल्ड के अंदर डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग लेवल 7 पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे तो यार थोड़ा बहुत डायमंड मिल रहा है, ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे भी अपने को काफी ज्यादा ढूंढना पड़ा है, लेकिन भाई फिर भी लेवल 13 से तो कहीं ज्यादा बेटर है। तो आसपास के ब्लॉक्स को साफ करने के बाद यहाँ पे मुझे अभी तक का सबसे ज्यादा यानी कि 4 डायमंड ओर दिखे हैं। नीचे लावा भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इनको इजिली तोड़ सकते हैं। तो फटाफट इनको तोड़ते हैं एंड होप कि यहाँ से अपने को थोड़े ज्यादा डायमंड्स मिले। तो यहाँ से मैंने सारे डायमंड्स को कलेक्ट कर लिए हैं, अभी अपने पास टोटल 17 डायमंड्स हैं। पहले के अपने 6 थे, तो यहाँ से अपने को 11 डायमंड्स मिले हैं। 4 ब्लॉक से 11 डायमंड यार काफी सही सा है। अभी गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और माइनिंग करने वाला हूँ, 24 डायमंड्स के काफी करीब है हम, तो देखते हैं गाइस अपने को मिलता है कि नहीं। तो नहीं गाइस, लेवल 7 अपने लिए इतना ज्यादा लकी भी नहीं था। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत और माइनिंग की एंड अपने को वापस से कोई डायमंड नहीं मिला। तो चलो गाइस आज के लिए काफी माइनिंग हो गई। आई नो कि यार 24 डायमंड्स तो मैं यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी गाइस 17 डायमंड भी कुछ इतना कम नहीं है। ओवरऑल माइनिंग अपना सही रहा। इससे पहले भी यार मैंने बहुत बार माइनिंग किया, लेकिन गाइस अपने को इतने डायमंड्स कभी भी एक साथ नहीं मिले हैं। जो भी हो गाइस चलो अभी बाहर चलते हैं। पहले तो हम इन डायमंड से आर्मर को बनाएंगे एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे करना है। अभी आर्मर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग एक हेलमेट एंड एक चेस्ट प्लेट को बना सकते हैं। इन दोनों को बनाने के बाद भी अपने पास 4 डायमंड्स बचेंगे एंड अपने पास पहले से 2 डायमंड थे, तो टोटल यहाँ पे 6 डायमंड्स हो रहे हैं। तो 6 डायमंड से तो हम लोग बॉटम वेयर को नहीं बना सकते हैं, उसके लिए अपने को 7 डायमंड्स चाहिए होते हैं। तो कोई ना गाइस बाद में हम लोग कभी और माइनिंग करेंगे एंड उस टाइम पर हम लोग बाकी डायमंड्स को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट को बना लिया है, अपने पास 6 और डायमंड बचे हुए हैं, तो फटाफट इनको पहन लेते हैं। अभी अपना कॉन्फिडेंट काफी बढ़ चुका है। ऑब्वियसली गाइस मैं इस हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट को तो हमेशा के लिए नहीं पहनने वाला हूँ, जब भी यार अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी सिर्फ तभी मैं यूज करूंगा। अभी गाइस अपने को एक और जो इंपॉर्टेंट चीज करना है, दैट इज भले ही अभी हम लोग एपिसोड 15 तक आ चुके हैं, लेकिन यार अभी तक मैंने इस वर्ल्ड के अंदर नेदर पोर्टल नहीं बनाया है। तो अभी हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर नेदर पोर्टल को बनाने वाले हैं। मुझे जितना याद है गाइस नेदर पोर्टल को बनाने के लिए टोटल 10 ऑब्सीडियंस की जरूरत पड़ती है, मेरे पास ऑलरेडी 7 है, तो 3 ऑब्सीडियंस अपने को और बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो अपना अनलिमिटेड लावा फार्म है। तो फटाफट गाइस यहाँ से 3 ऑब्सीडियंस को बनाते हैं एंड अपने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं। तो ऑब्सीडियंस मैंने बना लिए हैं, अपने पास अभी टोटल 10 ऑब्सीडियंस है, तो हम लोग नेदर पोर्टल को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेदर पोर्टल को बनाने के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि फिलहाल के लिए इस नेदर पोर्टल को हिल के साइड में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्सीडियंस को प्लेस कर दिया है। अभी नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए अपने को एक फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैंने फ्लिंट एंड स्टील को भी बना लिया है। तो चलो गाइस फटाफट अपने पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल अभी एक्टिवेट भी हो चुका है, तो हम लोग इस पोर्टल के अंदर एक बार जाने भी वाले हैं, लेकिन इससे पहले यार मैं अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज है इनको मैं यहीं पे चेस्ट के अंदर रख लूंगा, क्योंकि बाई चांस अगर हम लोग पोर्टल से जाके लावा के ऊपर स्पॉन होते हैं तो वहाँ पे अपने सारे आइटम्स बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ नेदर पोर्टल में जाने के लिए। तो चलो गाइस देखते हैं ये पोर्टल अपने को कहाँ ले जाता है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग काफी अच्छे जगह पे स्पॉन हुए हैं। सबसे पहले तो एक चीज चेक करते हैं यहाँ पे कोई मॉब्स वगैरह तो नहीं है, अभी तक तो यार मुझे कुछ भी दिखा नहीं। एंड आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर हम लोग थोड़ा भी आगे स्पॉन होते तो यार सीधा लावा के अंदर गिरते, तो अपने को यहाँ पे बस इतना ही देखना था। अभी पोर्टल में फिर कभी चलेंगे। जो भी होगा इस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।